यहाँ से मजबूत बनो, जो चीज़ सोच रहे हो उसे आज का सोच के नहीं आगे का सोच के करो, और एक्सक्यूज आगे के लिए बचा के रखो कि ये आज ये हो गया इसलिए ट्रेनिंग नहीं कर रही हो। तो हाँ जी, राम राम, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? आई होप मेरे छोटे बड़े भाई सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने चैनल और एक नई वीडियो में, और मैं भी ठीक हूँ भाई। होप जैसा कि आप सभी को बताओगी कि अपनी एल्बो में इंजरी हो रखी थी, तो अभी थोड़ी बहुत नीचे सूजन है, जिसके कारण थोड़ी बहुत अच्छी एक्सरसाइज अब हो पा रही है। बस खुशी एक बात यह है कि मैंने अपनी ट्रेनिंग मिस नहीं करी, जिसके कारण बॉडी में थोड़े अच्छे से चेंजेस अब आ गए, और सुबह जब उठ के बॉडी देखता हूँ तो अच्छी सी लगती है। बट हाँ, वो एक बात अलग है कि रात को सोते सोते पेट पूरा भर जाता, तो रात को देखने में मजा नहीं आता। बट कहीं ना कहीं खुशी है कि ट्रेनिंग मिस नहीं करी, सारी अपनी पुल मूवमेंट वाली एक्सरसाइज सारी हुई। पुश वाली में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ट्राइसेप बिल्कुल भी नहीं हो पाई, और चेस्ट में खाली केबल क्रॉस, बटरफ्लाई और एक इंक्लाइन प्रेस है, वो हो पाई हल्के हल्के, उसमें भी एल्बो अंदर करके, और बैक अच्छे से हो पा रही है, बाइसेप अच्छे से हो पा रही है, और शोल्डर में साइड रेज के अलावा कोई और एक्सरसाइज हो नहीं पा रही, क्योंकि सब में बाकी ट्राइसेप का यूज होगा, और लेग्स अच्छे से हो पा रही है, तो इसलिए मैं लेग्स हफ्ते में 3 बार कर रहा हूँ, मतलब 2 बार प्रॉपर और 1 बार एक्सटेंशन लेग कर्ल और लेग प्रेस। बट जो चेंजेस चाहिए बॉडी में वो भी आए नहीं है, और आज तारीख होगी अपना 27 तारीख हो चुकी है, और शो के लिए अपने रह गए मात्र 9 की अपनी स्टेज है, तो वही 12 से 13 दिन रह गए, तो ट्राई करेंगे कि अच्छे से अच्छा लेके आऊँ और बाकी स्टेज पर जाऊँ और अपना बेस्ट परफॉर्म दूँ। देन उसके बाद आगे की जो चैंपियनशिप होगी उससे पहले अपनी दोनों एल्बो ठीक करा लूँ, क्योंकि जो दूसरी वाली एल्बो है उसमें भी आपको दिखाता हूँ। एक मिनट रुको, ये देखो ये भी थोड़ी सी बाहर निकली पड़ी है, और ये तो सूज ही रही है, तो देखेंगे करेंगे अपना पूरा दिन आज का बस जो भी था। मेरे बहुत से भाई एक ही चीज़ बोल रहे थे कि भाई वीडियो नहीं आ रही, वीडियो डालो, इंजरी की क्या अपडेट है वो दो, तो ये थी भाई अपनी पूरी इंजरी की अपडेट। तो अभी जा रहा हूँ जिम, सुबह के बज रहे 10, सो के उठ चुका हूँ जल्दी, 9:30 ही उठ गया था, क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है कि रात को एसी बढ़िया ट्रिप मार रहा है तो नींद आती नहीं है। तो अभी घर से 8 अंडे, 1 एप्पल और 1 नारियल पानी पी के निकले हैं, और चल रहे हैं जिम, करेंगे अपनी बैक की ट्रेनिंग, देन उसके बाद लेंगे मील, जो भी लूंगा वो आपको दिखाऊंगा, और एक भाई आएंगे अपनी थेरेपी करने, आज से लगाया उन्हें, पहले मैं कहीं और जा रहा था वहाँ पे भाई, मतलब आप लोग बोलोगे भाई आप ऐसे बोल रहे हो, पर सेशन के 2500 रुपये ले रहे थे यहाँ से दिल्ली में, बट वहाँ से आराम कुछ मिला नहीं, तो 4 से 5 सेशन लिए, वो भी बंद कर दिए 3-4 दिन बाद। तो एक भाई अपने जो थेरेपी करेंगे वो फ्री हुए हैं, तो उनसे चल के बात करेंगे और उन्हें दिखाएंगे, तो जिम पे बुलाया उन्हें भी, तो चलो चलते हैं जिम और दिखाते हैं आज को अपना पूरा दिन जो भी होगा। पर भाई वो गर्मी बहुत ही भयंकर पड़ रही है, जो बाइक या स्कूटी पे जा रहे हैं ना थप्पड़ लग रहे होंगे भाई धूप के। तो लीजिए भाई, ये थी अपनी बैक की ट्रेनिंग, बहुत अच्छा सेशन रहा, बैक का मजा आ गया बैक की ट्रेनिंग करके। जब हाथ में चोट नहीं लगी थी तब बैक करने का मन नहीं करता था, और अब खाली बैक ही कर सकता हूँ तो बैक करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा। बाकी आप लोगों को फ़र्क दिख रहा होगा एल्बो में, ऐसा लग रहा है कि इसका ट्राइसेप ही नहीं है, क्योंकि अलग से पूरा सूजा पड़ा है। और मेरे बहुत से भाई एक चीज़ और बोल रहे हैं कि नितिन भाई थोड़ा सा रेस्ट करो, और मेरी ये मान्यता है कि रेस्ट के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है, जब तक मैं खुद को पुश कर सकता हूँ और पुल वाली एक्सरसाइज कर सकता हूँ जब तक करूँगा। जिस दिन पुश करने में और खुद को पुश करने में और पुल वाली एक्सरसाइज करने में भी पुश दिक्कत प्रॉब्लम आएगी, मतलब बैक करने में भी, तो रेस्ट करेंगे। बाकी एक्सक्यूज़ देख के तो मैं छोड़ सकता था जब चोट लगी थी 12-13 को कि हाँ
चोट लगी, छोड़ देता हूँ। मैंने बहुत से भाई देखे भी, अगर उन्हें मैं झूठे को बोल दूँ कि रहने दे मत कर छोड़ दे प्रॉब्लम आ रही है, तो छोड़ देते हैं। बट वहीं से सीखने को मिलता है कि अगर आज गिव अप कर दिया तो जीवन बहुत बड़ा है और इससे भी बड़ी बड़ी परेशानियाँ आएंगी। उनमें उनके लिए आगे स्ट्रांग रहना है, तो जब तक कर सकते तब तक करूँगा। बाकी कंडीशन आप लोग एब्डोमिनल देख के पता लगा सकते हो कि जैसी मैंने आपको लास्ट अपनी कंडीशन वाली वीडियो दिखाई थी उससे कम से भी कम 30% बॉडी चेंज हो चुकी है। और मैं कोशिश करूंगा कि 10 से 12 दिन में 30-35% और चेंज कर लूं। बाकी लेग्स भी ठीक हो रहे हैं अब तो, और जो भाई थेरेपी करेंगे वो आ चुके हैं। गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है भाई, बता नहीं सकता आप लोगों को। तो पहले थेरेपी कराते हैं, फिर अपना थोड़ा सा डाइट का सामान खरीदते हैं और फिर घर चलते हैं। यही है अपने पूरे दिन में, पूरे दिन के व्लॉग में भाई, सुबह शाम वर्कआउट और खाना। बाकी शीशे में मैं खुद को ज़्यादा तगड़ा लग रहा हूँ, आप लोगों को भी बताना, मतलब शीशे का कमाल हो सकता है। चलो चले जी, चलो बस आप लोग प्यार बनाए रखो, बाकी आग लगा देंगे। सुबह भाई आ चुके हैं अपने और अभी हाथ लगा के देख रहे हैं, बताएंगे कह रहे हैं कुछ मेजर तो नहीं हुआ। मैंने कहा आप अभी आए हो, इससे पहले पूरा मेरा हाथ सूजा पड़ा था वैसे। हाँ ऐसे हो नहीं पा रही, भारी मूवमेंट नहीं है। तो इनमें बेसिकली पहले आया था स्ट्रेन, जो हमारा बॉडी रेस्पॉन्स के चलते थोड़ा सा स्वेलिंग हो गई है, जो थोड़ा सा ठीक होने में टाइम ले सकते हैं, मतलब 1-1.5 हफ्ता लेके चलो हम नेक्स्ट। बाकी हम करेंगे, देखते हैं जितना रिहैब से पॉसिबल होता है उतना करेंगे। तो लीजिए भाई, हुई थेरेपी कंप्लीट और आप लोगों को आँख देख के पता चल रही होगी भाई कि मैं तो सो गया। बहुत मज़ा आता है जब ट्रैप टाइम चल रही हो और पूरी बॉडी टूटी हुई और उसकी कोई मालिश करे तो वो होए सबसे एक नंबर सुकून है। तो एसी भी नहीं चल रहा था, पूरी टी शर्ट गीली होगी पसीने में, बट फिर भी नींद आ गई। तो घर जाके और अच्छी नींद आएगी। और एक बात और, जब जो आपकी थेरेपी कर रहा है अगर उन्हें पता चल जाए ना कि यहाँ पे टच करने से पेन आ रहा है, तो अधवध के वहीं पे ज़्यादा करेंगे। तो हाथ की वजह से थोड़ा शोल्डर में भी पेन था और लोअर बैक में भी और मिड बैक में भी, तो तीनों जैसे हाथ में राइट इसमें लेफ्ट हैंड साइड में चोट लगी है, तो पूरी लेफ्ट साइड की बॉडी अपनी स्टिफ होगी। तो पूरी वो खुलवाई, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया। बट एक चीज़ से मैं कंफ्यूज हो गया कि जहाँ से पहला मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ पे वो सर बोल रहे थे कि भाई इसकी आइसिंग करो, और अब इन्हों ये वाले भाई बता गए हैं कि भाई इसकी सिकाई करो गर्म से। तो समझ नहीं आ रहा कौन सी बात सही है कौन सी गलत। बाकी खाया अभी तक कुछ भी नहीं है, वही सुबह 8 अंडे खाए थे, अब थोड़ा सा प्रोटीन पीऊंगा क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है कि कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। मन कर रहा है कुछ ठंडा ठंडा पीते रहो बस। तो चलो चल रहे हैं घर, कुछ भी खाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। हो भाई गर्मी। तो भाई यार अपना खाना बॉइल्ड चिकन, थोड़ा सा एप्पल, ठीक है ना, थोड़ा सा लगता है सोडा। चलो खा के करते हैं इन रेस्ट। तो भाई पहले टाइम देखो, 9:30 और मैं आया हूँ अब जिम। 9:30 में जिम क्या हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपनी 2 मील ली, दोनों मील खा के अपना बढ़िया रेस्ट करा, बढ़िया आराम हुआ, थेरेपी के बाद बढ़िया एकदम नींद आई। उसके बाद 6 बजे आँख खुली, लाइट ऊपर नीचे हो रही थी थोड़ी। मैंने कहा जिम तो जब भी 7:30 जाऊँगा, तो पास में एक स्टोर था, मैंने कहा चल यहाँ से 1-2 लोअर ले आता हूँ, बट वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने कहा चल घर से निकले तो थोड़ा सा 10 किलोमीटर और आगे चले थे, तो दिल्ली साइड चले गए, तो वहाँ से मैं अब घर पहुँचाऊँ भाई 8:30 बजे। तो घर जाके दोबारा 8-10 अंडे खाए हैं, तो मैंने कहा चलो अब अपना जिम चलते हैं, ट्रेनिंग करेंगे लेग्स की। मन बिल्कुल नहीं होता क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है और ऊपर से एक थकान इतनी ज़्यादा होगी और बाहर का कुछ खा नहीं सकते, तो 2.5-3 घंटे कुछ खाया भी नहीं, ठीक है जी, सबसे पहली बात यह। फिर मैंने कहा चल एक्सरसाइज करके आता हूँ, नहीं पूरी रात रिग्रेट रहेगा कि लेग्स करनी थी लेग्स नहीं करी। मैंने कहा जल्दी से 5-6 एक्सरसाइज लगा के अपनी और फिर दो अपनी मील लेके चलते हैं। तो आए हैं जिम इसीलिए 9:30 बजे। कुछ भी हो जाए ट्रेनिंग मिस नहीं होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा मज़ा भी अभी आएगा ट्रेनिंग करने में क्योंकि 10 बजे जिम खाली हो जाएगा, इतने में अपनी सारी विटामिन वगैरह लोड करूंगा, देन उसके बाद सारे एसी चल रहे होंगे और थोड़ी ठंडक सी में करने में मज़ा आएगा। वरना 7 से 9 तो जिम में भाई साहब पूरा, मतलब 7 से 9:30 तक पूरा जिम पैक रहता है, बढ़िया क्राउड, तो बढ़िया आराम से ब्रेक लेके एक्सरसाइज करेंगे अभी। चलो तो यहाँ भाई अपना प्री वर्कआउट जल्दी से लेते हैं और करते हैं अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट। तो भाई 9:30 बजे आया था मैं घर से, और आप लोगों का भी टाइम देखो पहले कितना हो गया,
दस दस हो चुके हैं और 40 मिनट वेट करने का मतलब था कि जिम आप देखो पूरा जिम खाली पड़ा है, ना कोई म्यूजिक ना कोई कुछ, बस मैं और साथ में देवा, तो दोनों करेंगे अपनी लेग्स की ट्रेनिंग। लेग्स की ट्रेनिंग में मैं आपको एक से दो एक्सरसाइज दिखाऊंगा, नहीं तो पूरी प्रॉपर अगेन वर्कआउट की वीडियो हो जाएगी। तो लेग्स में मैं मारूंगा मिक्स स्क्वाट्स और हैमस्ट्रिंग दोनों साथ करेंगे, तो एक्सटेंशन लेग कर्ल लेग प्रेस स्क्वाट्स और इनर आउटर थाई और स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, तो छह एक्सरसाइज करेंगे बढ़िया तरीके से। 10-10 हो रहे हैं, टारगेट है 10:40 तक अपनी ट्रेनिंग खत्म करके और घर जाके चुप हो गए, ठीक है जी। चलो फ्री स्क्वाट से स्टार्ट करते हैं। तो वही अपने थर्ड एक्सरसाइज लेग प्रेस और सबके अभी तक लेग एक्सटेंशन मारी उसके 7 सेट करें, लेग कल मारी उसके 6 सेट मारे और ये लेग प्रेस का 4th सेट है, इसके भी 5 या 6 ही मारूंगा। तो भाई बिल्कुल लास्ट सेट लगाते ही मतलब वेट बिल्कुल नीचे रखते एकदम जिम की गई लाइट और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ट्रेनिंग हुई कंप्लीट, अभी जनरेटर चलाने गया, जनरेटर चलाना तो फिर आप लोगों से बात करते हैं, प्यारा सा मैसेज देता हूँ आप लोगों को। तो लीजिए भाई खत्म हुई अपनी ट्रेनिंग और जैसा कि मैं बोल रहा था प्यारा सा मैसेज आप लोगों को दूंगा, तो मैसेज ये है कि जैसा मैंने आपको बोला था कि 10:40 तक अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, टाइम आप देख लो 10:50 हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आया 40-45 मिनट अपनी ट्रेनिंग करके। और फाइनली अब आएगी मुझे चैन से नींद, क्योंकि घर था मुझे अच्छे से याद है 9:10-9:15 पे मैं घर था, इसी के आगे पड़ा हुआ था, मैंने कहा कल कर लूँगा, सुबह तो कर ली फिर भी मैं थक रहा हूँ तो सुबह देखेंगे अब। बट अंदर से हिम्मत करी कि मैंने कहा नहीं भाई 40 मिनट चला मैं ट्रेनिंग करके आया, ताकि कल को रिग्रेट ना हो कि यार तूने ट्रेनिंग छोड़ी थी, सब चीज़ मिस करी थी और डाइट भी ढंग से नहीं हो पाई। तो अच्छा पॉइंट इसमें क्या होगा, घर से 8 अंडे खा के आया था, वो एक मील कंप्लीट होगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बिल्कुल सुनसान खाली जिम में अपने जिम होने का ये भी फायदा है कि एक अच्छी ट्रेनिंग भी होगी और एक मील अपनी बाहर ही रखी है वो खाएंगे तो पूरा दिन कवर बिना किसी रिग्रेट के। तो बाकी यही मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि यहाँ से मजबूत बनो, जो चीज़ सोच रहे हो उसे आज का सोच के नहीं आगे का सोच के करो और एक्सक्यूज़ आगे के लिए बचा के रखो कि ये आज ये हो गया इसलिए ट्रेनिंग नहीं कर रही, ये हो गया वो नहीं कर रहे, तो भाई अपने ऊपर मेहनत करोगे तो आज नहीं तो कल। दो ही चीज़ आपसे ऐसी है कि जो जिसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, एक आपकी पढ़ाई और दूसरी आपकी मेहनत जो जीवन भर और लास्ट तक आपके साथ रहेगी। तो बिना किसी एक्सक्यूज़ के अपने पे काम करो, मेहनत करो, बहुत अच्छा होगा और आपके लिए भी आपकी फैमिली के लिए भी। तो यही था अपना पूरा आज का दिन, ट्रेनिंग हुई कंप्लीट, तो करते हैं ये वाली वीडियो यही खत्म। आप लोगों को अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, आपका अपना चैनल है, बाकी नीचे बेस्ट ऑफ लक लिख दें आपके भाई की चैंपियनशिप के लिए। और आगे जाने से पहले 2-3 अच्छी अच्छी वीडियोज आएंगी वो आप लोगों को दिखाऊंगा और मतलब अपने सीनियर्स के साथ आएंगी, जो एक अपनी वीडियो होती है भाई के साथ उनके साथ, एक टाइगर भाई के साथ और एक नॉर्मली शॉपिंग वॉपिंग अपनी फैमिली के साथ, तो यही होगा सारा। चलिए खुश रहे, खाते पीते रहे, मौज में रहे, लव यू ऑल सो मच।